कॉलेज जाना है, लेकिन उसका प्राइस टैग देखकर नानी याद आ जाती है, ट्यूशन कॉस्ट, हॉस्टल फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, हजार खर्चे, फिर क्या कॉलेज के बाद एजुकेशन लोन और ईएमआईस का बोझ। इस प्रॉब्लम के लिए आज मैं लाई हूँ एक धमाकेदार सोल्यूशन। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो नो मैटर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप घर बैठे बैठे अपने अकेडमिक्स की मदद से फाइनेंशियल एड क्लेम कर सकते हो। जब खर्चों की टेंशन ही खत्म, फिर फोकस वापस जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पर, आपकी पढ़ाई। आज के वीडियो में मैं 5 इनक्रेडिबल स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा हर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी, स्टाइपेंड और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बट बिफोर वी डाइव इनटू दीज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कॉलरशिप नंबर 1, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना। ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज परसू कर रहे हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको 12th में 80% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम या डिग्री से हो, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। आपको बस एक रेगुलर डिग्री कोर्स में एनरोल्ड होना है। इस स्कॉलरशिप में डिस्टेंस मोड या डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम अवेल नहीं कर रहे, जैसे कि स्ट्रेट रन स्कॉलरशिप स्कीम्स, फी वेवर एंड रीइंबर्समेंट स्कीम एटसेट्रा। इसके साथ आपके पेरेंट्स का या टोटल फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीज पर एनम से कम होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट भी मिल सकता है। ये रिजर्वेशन आपको सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से मिलेगा। दैट इज 15% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SCs, 7.5% फॉर STs एंड 27% फॉर OBCs, 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर्संस विद डिसेबिलिटीज यानी कि PWDs कैटेगरी के लिए भी मिलेगा। इस स्कॉलरशिप का फॉर्म और एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन नेशनल स्कॉलरशिप्स पोर्टल यानी कि इस पे मिल जाएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे 12,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे। यही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको 20,000 रुपीज पर एनम मिल जाएंगे। अगर आप 5 साल के प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो या आप किसी इंटीग्रेटेड कोर्सेज में पढ़ रहे हो तो पहले 3 साल के लिए आपको 12,000 रुपये पर एनम मिलेंगे। 4th और 5th ईयर में ये अमाउंट बढ़ जाएगा यानी कि आपको 20,000 रुपये पर एनम मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल कोर्सेज परसू कर रहे हो तो आपको 4th ईयर में 20,000 रुपीज पर एनम मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, स्कॉलरशिप को स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स में स्टेट की यूथ यानी कि 18 से 25 साल के पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा। इसमें CBSE और ICSE स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट भी किया जाता है। 50% स्कॉलरशिप्स लड़कियों के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स को स्कॉलरशिप 3:3:1 के रेशियो में मिलेगी। स्कॉलरशिप नंबर 2, डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन सशक्त स्कॉलरशिप 2023। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन लड़कियों के लिए एक कमाल का इनिशिएटिव है जो लड़कियों को साइंस में करियर परसू करने के लिए इनकरेज करती है। डॉक्टर रेड्डीज फाउंडेशन का फोकस रूरल और लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की तरफ ज्यादा है। अगर आप इनके लिस्टेड रिकॉग्नाइज कॉलेज में एडमिशन ग्रैब कर पाए तो आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट सिर्फ इंडियन सिटीजन अवेल कर सकते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स का एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 12th क्लियर करना नेसेसरी है। इसके साथ आपको फाउंडेशन के प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट्स में बीटेक, एमबीबीएस या बीएससी इन नेचुरल प्योर साइंस डिग्री परसू करने के लिए एडमिशन लेना होगा। ये कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एडमिशन लेने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी? ये इंस्टीट्यूशंस आपको अपनी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 2.4 लाख रुपीज यानी कि 80,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे। ये स्कॉलरशिप आपको 3 साल के स्पैन में मिलेगी। इस स्कॉलरशिप में आपकी ट्यूशन फीस, स्टडी एक्सपेंसेस एंड बेसिक लिविंग कॉस्ट सब कवर हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, स्टूडेंट्स को क्लास 12th और ओवरऑल अकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। स्कॉलरशिप 3, आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप।
आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023-24 आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरीज के CSR इनिशिएटिव्स में एंगेज्ड है। ये प्रोग्राम स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एजुकेशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स जो क्लासेस 1-12 में पढ़ते हैं या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज परसू करते हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसमें उनके अकेडमिक एक्सपेंसेस और एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि करियर काउंसलिंग एंड लाइफ स्किल सेशंस कवर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको किसी रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना जरूरी है। एप्लीकेंट के पास प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। एप्लीकेंट का फैमिली इनकम 6 लाख रुपीज से कम होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट के पेरेंट्स आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड उसके सब्सिडरीज या बड़ी फॉर स्टडी के एम्प्लॉयज हो तो वो एप्लीकेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कॉलरशिप में आपको 36,000 रुपीज पर एनम मिल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आदित्य बिरला कैपिटल स्कॉलरशिप 2023-24 अपने स्कॉलर्स एक मल्टी स्टेज प्रोसेस में चूज करते हैं। स्टूडेंट्स को एकेडमिक मेरिट और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। स्कॉलरशिप फॉर कोटक कन्या स्कॉलरशिप, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन यानी KKEF अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज के मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इससे वो लड़कियां अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हैं। लॉन्ग रन में ये स्कॉलरशिप लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करती है। अलॉन्ग विद द स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम में आपको मेंटोरशिप सपोर्ट, कम्युनिकेटिव इंग्लिश ट्रेनिंग और अकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। इससे आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। ये स्कॉलरशिप इनिशिएटिव कोटक के CSR एक्टिविटीज का एक हिस्सा है। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लास 12th में 85% या ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे। आपकी फैमिली का इनकम बिलो 6 लाख रुपीज होना चाहिए। इसके अलावा आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन इन प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज में सिक्योर करना होगा, लाइक इंजीनियरिंग, MBBS, इंटीग्रेटेड LLB यानी कि 5 ईयर्स या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। अगर आपके पेरेंट्स कोटक महिंद्रा ग्रुप, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन या बड़ी फॉर स्टडी में काम करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब आते हैं अमाउंट पे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको आपकी डिग्री खत्म होने तक 1.5 लाख रुपीस पर ईयर मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से है। कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2023-24 के स्कॉलर्स का सिलेक्शन अकेडमिक मेरिट और एप्लीकेंट्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे किया जाएगा। आइए इसको और समझते हैं। लेट्स सिंप्लीफाई। राउंड 1 में अकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक करने के बाद राउंड 2 में लड़कियों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इन दो राउंड्स के बेसिस पे स्कॉलर्स का फाइनल सिलेक्शन होगा एंड उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज योर स्कॉलरशिप नंबर 5 विच इज LICHFL विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएशन 2023। LICHFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023 LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी कि LICHFL का CSR इनिशिएटिव है। इसका एम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। स्कॉलरशिप के थ्रू LIC लोअर इनकम ग्रुप्स के क्लास 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल चुका है वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट होना यहाँ जरूरी है। एप्लीकेंट्स को 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और उनका फैमिली इनकम यानी कि घर के सारे मेंबर्स का इनकम 3,60,000 से कम होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप में आपको 25,000 रुपीज मिलेंगे पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से। LICHFL विद्याधन स्कॉलरशिप ऐसे एप्लीकेंट्स को स्कॉलरशिप देगी जिनके प्रीवियस एग्जाम्स में 60% या ज़्यादा मार्क्स हों। वो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करेगा जिन्हें कोविड ने अफेक्ट किया है, स्टूडेंट्स जिन्हें सिंगल पेरेंट ने बड़ा किया है, ऑर्फन्स, स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स क्रिटिकली या टर्मिनली डिजीज्ड हों, या स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली में जॉब लॉस हो गया है इन द लास्ट 12 मंथ्स। इन सभी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। आप कुछ स्कॉलरशिप्स में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स के फॉर्म्स आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। इस फॉर्म की कॉपी आपको पर्टिकुलर एड्रेस पे कोरियर करनी पड़ेगी। ये पांचों स्कॉलरशिप्स अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप एक एस्पायरिंग इंजीनियर, आर्टिस्ट, डॉक्टर कोई भी हो सकते हो या आप किसी दूसरी फील्ड में काम कर रहे हो, ये स्कॉलरशिप आपके सपनों को सच कर सकती है।
याद रखिए कि आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ना है, जहां ज़रूरी हो आपको एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना बेस्ट शॉट देना है। बिफोर वी रैप अप, सब्सक्राइब बटन को हिट करना ना भूलिएगा और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद मोर वैल्यूएबल कंटेंट लाइक दिस। वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑन योर एजुकेशन जर्नी। अगर आपको अबव मेंशन स्कॉलरशिप्स के अलावा और कोई स्कॉलरशिप्स पता हैं तो मेक श्योर यू लीव इट इन द कमेंट्स बिलो। हो सकता है इससे बाकी व्यूवर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद हो जाए। लेट्स बिल्ड अ सपोर्टिव कम्युनिटी जहां हम सब नॉलेज शेयर कर सकें और एक दूसरे की मदद भी कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।